Once again, जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. माय नेम इज साहिर लोधी. यू वाचिंग दस्तक के बाद विद साहिर एंड विद मी राइट नाउ जॉइनिंग द शो इज शाहिद फिरोज साहब. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ग्रेट प्लेजर. ग्रेट. पोर्ट ग्रैंड. पोर्ट ग्रैंड इज रियली ग्रैंड नाउ. इट्स प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ यू कैन एवर विजिट. बिकॉज सीरियसली जो कुछ आप लोगों ने कर दिया है उसके साथ और जिस तरह से वो बन गई है तो बहुत डिफरेंट हो गई है. इट्स अ सक्सेस स्टोरी. सीरियसली इट्स अ सक्सेस स्टोरी. वो तमाम लोग जो डाउट करते हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, स्पेशली कराची में हालात की वजह से अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती, उनको पोर्ट ग्रैंड जरूर जाना चाहिए. इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस टू बी. और जब आप वहाँ पर चले जाएंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ये पुरानी नटी जटी जो है ये उसकी बात है. अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे तो मेरे पास बहुत सारे अफ्तार के वाउचर्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ और आप जा सकते हैं, फ्री खा सकते हैं. देयर इज नो चार्ज फॉर यू. लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त होगी. आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा. ऑफकोर्स हमें कॉल करना पड़ेगा 0342-207-5142. अब से लेकर पूरे रमजान तक, पूरी चांद रात तक हम आपको वाउचर्स देने जाएंगे. मुख्तलिफ किस्म के वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ चाय के स्टॉल्स हैं, बहुत खूबसूरत से ढाबे भी हैं, हलीम बहुत अच्छा मिलता है, नहारी बहुत अच्छी मिलती है, बारबेक्यू बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सारी और चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, बोट राइड्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक जगह जाके कर सकते हैं. राइट? एब्सोल्युटली. अच्छा, एक काम करते हैं. मैंने आपके लिए आपकी इजाजत के बगैर एक चीज की है. इफ यू अलाउ मी प्लीज, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं, एक जर्नी फ्रॉम रियलिटी टू द ड्रीम. ये वो जर्नी है, पहले नटी जटी कैसी थी और इसके बाद अब कैसी हो गई है. जरा ये देखिएगा, दिस इज व्हाट इट इज नाउ. ये आई थिंक आपकी कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह शुरू हो रहा था उस वक्त. ये हमने और ये अब है, ये वो जगह है जो अब हुई है. ये पहले की जगह है और अभी अब की जगह देखिएगा, और ये अब की जगह है. टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. ये पहले की जगह है और अब की जगह देखिएगा आप, और ये अब की जगह है. टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. ये देखिए, ये अब की जगह है, ये पहले की जगह है. दिस इज हाउ इट वॉज. दिस वॉज 1996, 2005 में ऐसा था. ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है एंड दिस इज नाउ. आपको ये मिलता है पाकिस्तान में, ये मिलता है कराची पोर्ट ग्रैंड के अंदर, ये मिलता है. और यहां हम शादी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर 2 वीक्स. 2 हफ्ते के लिए मैं यहां हूंगा. वाओ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है. आई डोंट नो, अगर इसका बैकग्राउंड आपको पता है, प्लीज बताइए. इसका बैकग्राउंड ये जो आप देख रहे हैं, ही इज एक्चुअली द प्रिंस ऑफ डेनमार्क. प्रिंस ऑफ डेनमार्क. हाँ, और ये प्रिंस ऑफ ग्रीस एंड प्रिंस ऑफ डेनमार्क फ्रॉम द फादर साइड एंड मदर साइड. अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे एक और इसकी पिक्चर है, पता नहीं अगर आप वो भी देखिए. अनफॉर्चुनेटली इट यूज टू बी लिटरली अ पब्लिक यूरिनल, जिसको ट्रांसफॉर्म करके अब आपने देखा जो कुछ बनाया है. और वहां इस वक्त मोरलेस एवरीवन हुज हू, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आल्सो इंटरनेशनली जो भी आते रहे हैं, उनकी वहां कोई ना कोई ओकेजन, चाहे गवर्नमेंट ने या डिप्लोमेटिक सर्कल्स ने या फॉरेन मिशंस ने, वहां पे किया है. एंड इट्स बिकम at least an icon for Karachi, and I think we should all be very very proud of this. I think it's not just Karachi, it's Pakistan. Absolutely. Karachi ki to baat hi nahi. Aap agar acha ek kaam karte hain, main ek kaam, this is what I'm going to do it myself. Main ek kaam karta hu, main 2 winners choose karunga pure Pakistan se. 2 winners choose karunga other than Karachi. I'm going to fly them myself. Main unko khud wahan se bulaunga. Yahan pe port grand visit karwana hai. सिर्फ क्राइटेरिया एक है, क्राइटेरिया एक है कि आप हमें कॉल करेंगे, हमारे शो को देखेंगे, और इफ यू आर द लकी विनर और इफ यू द कॉलर, हम लोग वी आर गोइंग टू पे द टिकट फॉर यू. आपको हम वहां से फ्लाई करवाएंगे, यहां पर लाके रखेंगे, यहां पर आपको होटल में ठहराएंगे और पोर्ट ग्रैंड की पूरी सैर करवाएंगे. एंड यू नो, दो दो डिनर्स जो है वो आपका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा 0342-207-5142. रीजन इज बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ हमारे पास है वो पूरी दुनिया शेयर कर सके, और पूरी दुनिया से पहले हर पाकिस्तानी शेयर कर सके. एवरी सिंगल पाकिस्तानी कैन शेयर दिस. देखिए, यहां पर बैठने का मकसद सिर्फ ये है, इस तरह से मिल बैठने का मकसद सिर्फ ये है. सक्सेस स्टोरीज मैं आपको बताता हूं. उरूज सक्सेस स्टोरी, शाहिद फिरोज सक्सेस स्टोरी, निदा सक्सेस स्टोरी, हकीम साहब सक्सेस स्टोरी, डॉक्टर साहिबा सक्सेस स्टोरी. एक अजीब सी मैं आपको बात बताऊं, डॉक्टर साहिबा इज अ सिंगल पेरेंट,
हकीम साहब एक ऐसी वॉर लड़ रहे हैं, जहां पर वो तिब और मेडिसिन को एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं। उरूज ने एक ऐसी जंग की है, एक ऐसे माशरे के साथ जंग की है जो इजाजत नहीं देता कि आप आगे बढ़ें या कुछ भी कर सकें। इसके साथ साथ निदा जो है वो आप मुझसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास करेक्ट नहीं थी, शी हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड, लेकिन जाहिर है आप देख के नहीं बता सकते, सर्वाइव तो करना है, आगे तो बढ़ना है। देन ऑफकोर्स शाहिद फिरोज, ट्रेमेंडस पर्सन टू बी विद, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप इनसे सिर्फ ले सकते हैं, इनके साथ बैठ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन इज, ये सब का सब पाकिस्तान है, दिस इज व्हाट पाकिस्तान लुक्स लाइक, दिस इज हु वी आर, वी आर गुड पीपल, वी आर जेन्युइन पीपल, वी आर इंटेलिजेंट पीपल, हम बहुत हार्ड वर्किंग है। यहां देखिए एक लेगेसी है जो आपके साथ बैठी हुई है, दिस इज साकिब अली ताजी, अली मोहम्मद ताजी साहब के साहबजादे हैं। देर इज नो रीजन कि हम अपने मुल्क पर फख्र नहीं कर सकें, देर इज नो रीजन कि हम अपने मुल्क के लोगों को प्रमोट नहीं कर सकें। आपको मैं दो और लेगेसीज बताता हूं। हेयर इज द गाय हु यूज टू वर्क इन द मेमनी प्लेस, प्लीज सर प्लीज वहीं पर रहिए, हु यूज टू वर्क इन द मेमनी प्लेस, 30 साल की सर्विस है कराची स्टेज पे, 30 ईयर्स की सर्विस दी है इकबाल साहब ने, फॉर 30 ईयर्स। आइए मेरे साथ, मैं आपको एक और लेगेसी दिखाऊं। ये एक लेगेसी है, प्लीज टेक दिस ऑफ, ये एक लेगेसी है, रऊफ आलम इनका नाम है, इन सबको आप समरिया के नाम से जानते हैं, एंड ही यूज्ड टू एक्ट इन 50-50। ये लेगेसी है। मैं यहां पर ये सब कुछ करने की कोशिश क्यों करता हूं, मैं यहां पर ये सब कुछ करने की कोशिश इसलिए करता हूं बिकॉज आई बिलीव इन पाकिस्तान, आई बिलीव कि हम लोग बदल सकते हैं, हम लोग चेंज हो सकते हैं, आई बिलीव कि नो मैटर व्हाट वी हैव टू डू वी विल डू टू मेक श्योर दैट वी सर्वाइव, बिकॉज टुडे आज दौर बहुत मुश्किल है। मुझे ये शोज बहुत अच्छे लगते हैं जिसके अंदर ऐसी प्रीचिंग को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इनसे ज्यादा वो शोज अच्छे लगते हैं जिसमें बहुत सारा हंगामा होता है, बहुत सारी डांसिंग होती है, बहुत सारी लाइटिंग होती है, बहुत सारा ग्लैमर होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं जिंदगी की तलखियों के अंदर जिंदगी की मुस्कुराहटें तलाश करता हूं। रोजा रखने का, मेरा भी रोजा अलहमदुल्ला मैं रोजे से हूं, मेरी एनर्जी देख के आपको शायद लग नहीं रहा होगा लेकिन ऑनेस्टली आई गेट वेरी वेरी एक्साइटेड व्हेन आई टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। मैं आपको कुछ दिन में, चंद दिनों में एक ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगा जो 5 साल की उम्र में वो बातें करता है जो शायद हम सब एक उम्र गुजारने के बाद भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ आपके लिए, जब हम वापस आएंगे तो हम शादी वीक के लिए बात करेंगे कि शादी वीक में क्या होगा, ऑफकोर्स आपकी लाइन के बारे में बात करेंगे और आपसे हम कमिटमेंट लेंगे कि आप हमारे साथ होंगी और कुछ फ्री देंगी प्लीज। अगर आप हमको फ्री नहीं देंगी तो मैं आपके पांव पड़ जाऊंगा, प्लीज आप फ्री दीजिएगा। मैं शाहिद फिरोज के पांव पड़ जाऊंगा, सर मुझे फ्री वाउचर्स चाहिए सर, 200 के करीब चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर राइट बैक।